नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। फीफा वर्ल्ड कप में सोमवार की रात ब्राजील और स्विट्जरलैंड के बीच मैच हुआ। इस मैच में ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 1-0 के अंतर से हरा दिया। ब्राजील की ये लगातार दूसरी जीत है। इस जीत के बाद ब्राजील की टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं कैमरून के खिलाफ जीत और ब्राजील से मिली हार ने स्विट्जरलैंड की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ा दी। स्विट्जरलैंड को अगले राउंड में जाने के लिए अपना अगला मैच हर हाल में जीतना होगा। खास बात यह रही कि अपने स्टार स्ट्राइकर नेमार के बिना ब्राजील की टीम ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से हरा दिया और अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया। बेहद बोरिंग पहले हाफ के बाद ब्राजील के लिए कैसमीरो ने 83वें मिनट में गोल दागा। 5 बार के चैंपियन ब्राजील को अभी ग्रुप जी में आखिरी मुकाबला खेलना है, लेकिन टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। नेमार को पहले मैच में दाहिने टखने में चोट लग गई थी और वो टीम होटल में ही अपना इलाज करा रहे हैं। टीम डॉक्टरों ने अभी ये नहीं बताया है कि वो कब तक खेल सकेंगे या खेल भी सकेंगे या फिर नहीं खेल पाएंगे। इस जीत के बाद ब्राजील के 2 मैचों में 6 अंक हैं और स्विट्जरलैंड के 3 अंक हैं। दूसरी तरफ ग्रुप के एक अन्य मैच में कैमरून और सर्बिया ने 3-3 के स्कोर से एक ड्रॉ खेला। दोनों ही टीम 1-1 अंक के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर है। स्विट्जरलैंड को अब यहां से आगे बढ़ने के लिए अगले मैच में सर्बिया को हर हाल में हराना होगा। ब्राजील और कैमरून के बीच भी मैच जो होगा उस पर बहुत हद तक ये निर्भर होगा कि मैच ड्रॉ हो जाता है तो भी स्विस टीम अगले चरण में पहुंच पाएगी या फिर नहीं पहुंच पाएगी। इस जीत के साथ ग्रुप चरण में भी ब्राजील का अजेय अभियान 17 मैचों का हो गया है, जिसमें 14 जीत और 3 ड्रॉ शामिल है। उसने पिछले 29 ग्रुप मैचों में से एक ही 1998 में नॉर्वे के खिलाफ गंवाया है। स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप में पिछले 13 ग्रुप मैचों में से 2 ही गंवाए हैं। मैच की अगर बात करें तो पहले हाफ में दोनों टीमों ने ज्यादा मौके नहीं बनाए। नेमार के बिना ब्राजील की टीम को स्विट्जरलैंड के गोल पर हमला बोलने में थोड़ी दिक्कत आई। ब्राजील के कोच टिटे ने नेमार की जगह मिडफील्डर फ्रेड को उतारा। पहले मैच में ब्राजील के लिए दोनों गोल करने वाले रिचार्लिसन इस मैच में फॉर्म में नहीं दिखे और दूसरे हाफ में उनकी जगह फिर दूसरे खिलाड़ी को उतारा गया। ब्राजील के लिए विनिशियस जूनियर ने 64वें मिनट में गोल कर ही दिया था, लेकिन वीडियो रेफरल के बाद फिर उसे ऑफसाइड करार दिया गया। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अब इस वर्ल्ड कप में ब्राजील के यहां से आगे के सफर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।